अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि ये इस पंप को जो है ना, इसकी मुकम्मल ये सेटिंग हो चुकी है। ये नीचे से इंची वाले हमने पैप में पे लगाई, यहाँ पर आधी की या आधी 25 का जो है ना हमने सॉकेट लगा लिया है। तो अब इस पंप को जो है ना हम इस बोरिंग के अंदर डालेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका रिज़ल्ट भी, इसका क्या रिज़ल्ट है। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट के साथ जो है ना ये पानी उठाएगा। तो अब इसको हमने स्टार्ट करना है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर मकबूल आरपी। तो सबसे पहले जो इसके ये पैप लगे हुए हैं, ये ऊपर वाली डीसी मोटर के लिए इसका कनेक्शन बनाया गया था, ये नाकाम हो चुका है क्योंकि पानी अभी जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया है, इसलिए ऊपर वाली जो मोटर है वो काम नहीं करती। अब ये मिसाइल पंप हम लगा रहे हैं, इसके बाद आपको चेक करेंगे इसका रिज़ल्ट भी। सबसे पहले जो है ना हमने इसको कितना ऊपर इसका पैप निकाल लेना है और बाकी नीचे कितना रखना है आपको दिखाते हैं। अब ये सेम वाल आ चुका है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमने सेम वाल नया लगाना है क्योंकि हो सकता है सेम वाल के अंदर कोई कमी बेशी हो, तो बाद में हमारे जहन में ये डाउट ना रह जाए कि यार सेम वाल का मसला है या कोई और है। ठीक है ना दोस्तों, इस तो ये सेम वाल हम लगा रहे हैं। इस सेम वाल को लगाने का तरीका कार क्या होगा, इसको आपने ध्यान से देखना और समझना है। ये मैं एक साकेट खोल लेता हूँ, आपको चेक कराते हैं। ये देख रहे हैं ये किली, ये इसका वाल है, इसको यानी ये वाल ऊपर की तरफ उठना चाहिए। इस तरह हमने सेम वाल को लगाना है। अगर सेम वाल उल्ट लग जाएगा तो मेरे दोस्तों मोटर जो है ना वो पानी नहीं उठाएगी। तो सेम वाल लगाने का तरीका कार यही होगा। पहले जो है ना इसके ऊपर हम सॉकेट लगा लेते हैं, ये इसके ऊपर हम सॉकेट लगा लेंगे सेम वाल के ऊपर। ये इंची का सेम वाल है, आपने भी इंची का ही सेम वाल लगाना है। तो पहले सॉकेट के अंदर आपने सोल्यूशन लगा लेनी है, उसके बाद इसके ऊपर लगा लेते हैं। अब ये ऊपर वाला सॉकेट हम खोल लेंगे। ऊपर वाला सॉकेट खोलने का मकसद ये होगा, देख सकते हैं इस तरफ ये भी हुके पंप वाला बोर है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो ये लग गया, इसके बाद जो अगला काम करना है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं ये सॉकेट हमने लगाया। सॉकेट के बाद यहाँ पर हमने टेप लगा ली है और इस पैप को यहाँ पर लगाने के लिए पहले हमने सोल्यूशन लगा लेनी है, क्योंकि सोल्यूशन लगाने का मकसद ये होगा, ये जो हम लगाएँगे ना दोस्तों ये पाइप का टुकड़ा, इसके ऊपर जोड़ जो बनाएंगे सॉकेट लगाएँगे सॉकेट के तौर पर, तो सोल्यूशन अगर हमारी लगी होगी तो इससे जो हमारा सॉकेट बनेगा वो मजबूत लग जाएगा, इसके ऊपर जॉइंटिंग कर जाएगा। तो चेक कर लेना, यहाँ से नरम हो चुका है पैप, अब इसके ऊपर लगा लेते हैं। इस तरह ही आपने लगाना है बिल्कुल एहतियात से। टेप सेशन लग चुकी है दोस्तों, अब हमने यहाँ से पीपीआर का कनेक्शन करना है। हमारी मशीन ऑलरेडी लगी हुई है पीपीआरसी वाली, वो गर्म हो चुकी है। ये आधी 25 का सॉकेट है और ये 25 की हम, जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं ये नफ़ी वाली तार के साथ हम नफ़ी वाली तार लगाएंगे और जमा वाली तार के साथ जमा वाली तार लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों अब इसका फाइनल सेटअप हो चुका है, तो इंस्टॉलेशन का आखिरी मरहला है। ये सेम वाल को हम लगा रहे हैं, इसका लगाने का तरीका कार यही है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो इस तरह इसको आपने लेवल में रखना है और नीचे से इस चूड़ी को हम लगाएंगे। अब इसको हम नीचे जाने देंगे। जैसे कि दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये जमा वाली है, इसके ऊपर हमने निशान लगाया और ये दो कैपेसिटर लगाए और ये जो है ना ये नफ़ी वाली तार है। अब ये जो दो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों, इसका लगाने का मकसद ये है कि अगर किसी सूरत के अंदर हमने हमसे तार गलत लग जाती है, यानी नफ़ी वाली तार जमा पे लग जाती है और इसी तरह जमा वाली नफ़ी पे लग जाती है, तो इस सूरत में जो है ना हमारी तार जो मोटर है वो उल्ट नहीं चलेगी, यानी उसकी वार्म नहीं खुलेगी। तो ये वार्म से खुलने के लिए हिफाजत के लिए दो कैपेसिटर हमने लगाए हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये मोटर की सेफ्टी के लिए है। तो अभी हम मोटर को चलाकर चेक करेंगे और इसके बाद आपको दिखाएंगे। हम सप्लाई के ऊपर चला रहे हैं, आप चाहें तो इसको बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं, यानी ये जो कैपेसिटर है ये बैटरी के ऊपर भी काम करेंगे, यानी अगर आप बैटरी पे ऊपर चलाना चाहें तो ये कैपेसिटर बैटरी के ऊपर भी काम करेंगे, सोलर प्लेट पर भी काम करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी हम स्विच लगाते हैं। स्विच लगाने के बाद सबसे पहले जो है ना दोस्तों हमने बिजली चेक कर लेनी है, बिजली है दोस्तों। अब हम ये स्विच लगाते हैं और उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये हमारा स्विच लग गया, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं सप्लाई आपको चलती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल बड़े अच्छे प्रेशर से पानी आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छत वाली टैंकी जो है ये भी पानी से भर चुकी है, तो इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों वो 10 से 12 मिनट लगे हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।